चीन के खिलाफ पूरे देश में प्रतिशोध सुलग रहा है। प्रदेश में भी सरहद पर हमारे सैनिकों की शहादत से जन जन का खून खोल रहा है और इसमें व्यापारी वर्ग भी पीछे नहीं है। राजधानी में राजस्थान दुकानदार महासंघ ने चीन के सामान की होली जलाकर चीन का विरोध किया, जिसमें विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और टोंक व्यापार महासंघ के सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि हमारे सैनिकों की शहादत को याद किया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपराध किया है जो उन्होंने कुचेष्टा की है, हम पहले से ही इसका, और चूंकि आत्मनिर्भर भारत का समय आ गया, अब भारत के लिए एक ऐसा मौका पूरे व्यापार उद्योग के लिए कि भारत को स्थापित करके भारत के सामानों को खरीद के भारत के इंपोर्ट को बंद करने के लिए। वहाँ का सस्ता माल आता है जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है और यहाँ का माल बिकने नहीं देते वो लोग, इसलिए चाइना के माल की होली जलाना देश हित में है, देशभक्ति है। और हम तो इंडस्ट्री वाले तो ये चाहते हैं कि चाइना का माल सरकार बिल्कुल बैन कर दे इंपोर्ट करना। बैठक बुलाई थी अध्यक्ष जी किशोर जी ठाकुर जी के नेतृत्व में, वो सामूहिक हमने निर्णय लिया है कि राजस्थान के अंदर सभी जिलों में हम लोग चीनी सामान की होलियां जलाएंगे और सारा व्यापार एकजुट होकर के न चीन के माल को भारत में घुसने देगा और न उसको बिकने देगा, न खरीदेगा, न उसको बेचेगा। भारत की 135 करोड़ जनता की तरफ से केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा कि जिस तरह हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर पूरे विश्व को दिखा दिया था कि उसमें भगवान राम के दर्शन कराए थे, उसी तरह मैं ये चाहूँगा कि भारत के आत्मनिर्भरता और अखंडता के लिए मोदी जी अपने 56 इंच का सीना चीर के पूरे विश्व को दिखाए कि यहाँ पर अगर किसी ने कोई भी गलत हरकत की और देश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे।